हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो हर मामले में सबसे अलग और खास है। नॉर्थ अफ्रीका का ये देश काफी पॉपुलर माना जाता है। इस देश में 98% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं और मक्का जैसे शहरों के बाद ये देश मुस्लिमों के लिए सबसे अहम देश माना जाता है। यहाँ का मदीना दुनिया भर के दूसरे इस्लामिक देशों में काफी ज्यादा महत्व रखता है। कोरोना काल के दौरान इस देश की सड़कों पर पुलिस की जगह रोबोट्स ने पेट्रोलिंग की थी। हॉलीवुड फिल्मों के लिए ये देश काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। स्टार वॉर्स जैसी मूवी की शूटिंग इस देश में हुई है। अफ्रीका के उत्तर में स्थित इस देश को काफी पॉपुलर कंट्री माना जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्री ट्यूनीशिया के। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की एक कमाल की वीडियो। ट्यूनीशिया देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक अरब नेशन है। इस देश को 20 मार्च 1956 को फ्रांस से स्वतंत्रता मिले और फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करने के एक साल से अधिक समय बाद ट्यूनीशिया ने अपने राजशाही हुसैनी राजवंश को समाप्त कर दिया और ट्यूनीशिया एक रिपब्लिक बन गया। ट्यूनीशिया देश की सीमा पूर्व और उत्तर में भूमध्य सागर से, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अल्जीरिया से और दक्षिण पूर्व में लिबिया से मिलती है। देश का दक्षिणी हिस्सा सहारा रेगिस्तान से मिलता है। ट्यूनीशिया देश की कुल आबादी 1.17 करोड़ है। इस देश में सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को लोग मानते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी इस देश में 98% है। यही कारण है कि ट्यूनीशिया को इस्लामिक देश कहा जाता है। देश की 70% आबादी शहर में और बाकी 30% आबादी गाँव में है। ट्यूनीशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है। इस देश में लगभग हर व्यक्ति अरेबिक बोलता है। हालांकि ये देश 1956 में फ्रांस से आजाद हुआ था, इसलिए यहाँ फ्रेंच भी बोली जाती है। इतना ही नहीं, इस देश के स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाई भी जाती है। एक सर्वे के मुताबिक 2010 में ट्यूनीशिया में फ्रेंच बोलने वाले लोगों की आबादी 66,39,000 थे। यहाँ सड़कों पर साइंस और दुकानों में मेन्यू अरेबिक और फ्रेंच दोनों में ही लिखे गए हैं। शायद ही आप लोगों को पता होगा कि ट्यूनीशिया देश की राजधानी ट्यूनिस है। ये शहर पूरे अफ्रीका में काफी लोकप्रिय है क्योंकि इस शहर में ट्यूनीशिया के इतिहास से जुड़ी हर वो चीज है जो इस देश और शहर को खास बनाते हैं। यहाँ कई इमारतें ऐसी हैं जो प्राचीन काल की हैं। ट्यूनीशिया देश के महिलाओं का काफी ज्यादा सम्मान किया जाता है। यहाँ महिलाओं के लिए खास कानून बनाए गए हैं। इस देश में पुरुषों का एक से ज्यादा महिलाओं के साथ शादी करना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इतना ही नहीं, ट्यूनीशिया में लोग अरेंज मैरिज के भी खिलाफ हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले से जान पहचान होने से शादी निभाना आसान हो जाता है। दोस्तों, इस्लामिक देश होने के बावजूद ट्यूनीशिया की महिलाएं बुर्का पहनना पसंद नहीं करते। साथ ही इस देश में ऐसा कोई कानून भी नहीं है। साथ ही दोस्तों, साल 2017 में 99% मुस्लिम आबादी वाले देश ट्यूनीशिया ने अपने एक पुराने कानून को खत्म कर दिया था। अभी तक ऐसा नियम था कि अगर कोई गैर मुस्लिम युवक यहाँ के मुस्लिम महिला से शादी करना चाहे तो पहले उसे इस्लाम कबूल करना पड़ता था। इसके बाद उसे अपने धर्म परिवर्तन का प्रमाण पत्र सबूत के तौर पर भी देना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ट्यूनीशिया की महिलाओं को अब अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी मिल गई है। ट्यूनीशिया देश वैसे तो आकार में अपने पड़ोसी देशों से छोटा है, पर ये देश अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। इस देश के लोग शाही जिंदगी जीना पसंद करते हैं। इसके अलावा ये देश टेक्निक के मामले में बाकी अफ्रीकी देशों से काफी आगे है। कोरोना वायरस के दौरान देश भर में लगे लॉकडाउन के समय ट्यूनीशिया ने एक खास तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। दरअसल हुआ ये था कि उस समय कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में इस देश में रोबोट से पेट्रोलिंग कराई गई थी। ये पहला मौका था जब किसी देश ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इन रोबोट्स ने सड़कों पर पुलिस की जगह पेट्रोलिंग की थी। ये रोबोट्स लोगों से उनकी आईडी मांगते थे और पुलिस कंट्रोल रूम में भेजते थे, जिससे लोगों के अंदर पुलिस से ज्यादा रोबोट्स का डर नजर आ रहा था और लोग कोरोना का सख्ती से पालन करते नजर आ रहे थे। इन रोबोट्स की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि बाद में अफ्रीका के दूसरे देशों में भी इन्हें भेजा गया। ट्यूनीशिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग अंडरग्राउंड रहते हैं। इस जगह को मतमाता के नाम से जाना जाता है। मतमाता ट्यूनीशिया का एक छोटा सा शहर है जिसमें आदिवासी लोग रहते हैं। पहले ट्यूनीशिया में सहारा डेजर्ट की धूप से बचने के लिए अंडरग्राउंड घरों को बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ के लोगों के लिए एक घर आम सा बन गया है। आज के समय में ट्यूनीशिया देश के लोग इन अंडरग्राउंड घरों में शान के साथ रहना पसंद करते हैं। ये घर गड्ढे खोद के बनाए जाते हैं जिनमें एक साथ 5 से 9 परिवार रह सकते हैं। ट्यूनीशिया की इकोनॉमी मुख्य रूप से एग्रीकल्चर, टूरिज्म और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर निर्भर है। आयरन और जिंक के अलावा पेट्रोलियम का खनन भी देश की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश का लगभग 2/3 हिस्सा कृषि के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि 1/3 से भी कम आबादी इस क्षेत्र में काम करते हैं। जैतून, खट्टे फल, अनाज, अंगूर, खरबूजे और अंजीर की खेती इस देश में सबसे ज्यादा की जाती है। इस देश के पॉटरी प्रोडक्ट्स भी काफी प्रसिद्ध हैं। ट्यूनीशिया के साथ व्यापार करने वाले सबसे बड़े व्यापारिक देश इटली, फ्रांस, जर्मनी और चाइना हैं। लेकिन इनके अलावा इस देश का 80% व्यापार यूरोपियन देशों के साथ होता है।
ट्यूनीशिया बाकी अफ्रीकन देशों की तरह इतना पीछे नहीं है, टूरिज्म सेक्टर में काफी आगे है ये देश। इतना आगे बढ़ने के बाद भी ट्यूनीशिया देश को लेकर एक हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि यहाँ 15 से 25 की उम्र के लगभग 35% युवा बेरोजगार हैं। हालांकि इस देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या 83% के करीब है, जो कई अफ्रीकन देशों से कई गुना बेहतर है। ट्यूनीशिया की करेंसी ट्यूनीशियन दिनार है और एक ट्यूनीशियन दिनार का मूल्य 26 भारतीय रुपए के बराबर है। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान माने जाने वाले सहारा डेजर्ट का कुछ भाग ट्यूनीशिया से भी होकर गुजरता है। दरअसल सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। ये करीब 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये मरुस्थल 10 देशों में फैला हुआ है, जिसमें माली, मोरक्को, मोरिटेनिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लिबिया, नाइजर, चैड, सूडान और इजिप्ट जैसे देश शामिल हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ते हैं। यही कारण है कि ट्यूनीशिया का मौसम इस रेगिस्तान पर ज्यादा निर्भर करता है। मौसम इस रेगिस्तान पर काफी हद तक निर्भर है। आपको यकीन नहीं होगा कि साउथ ट्यूनीशिया में आज जो सहारा रेगिस्तान है, वहाँ एक समय जंगल ही जंगल हुआ करते थे, लेकिन अब इस एरिया में सिर्फ रेत ही रेत है। सब कुछ बदल गया है। दोस्तों, ट्यूनीशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में चौथा सबसे अहम मुस्लिम देश है। वैसे तो मुसलमानों के पास कई ऐसे शहर हैं जहां वो अपने धार्मिक महत्व के कारण बड़े सम्मान के साथ रहते हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे अहम शहर सऊदी अरब का मक्का है, लेकिन मक्का, मदीना और जेरूसलम के बाद ट्यूनीशिया का कायरोना इस्लामिक दुनिया का चौथा सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर की स्थापना 670 ईस्वी में उकबा इब्न नफी ने की थी। इस देश में उकबा का प्रसिद्ध मस्जिद भी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल है। ट्यूनीशिया का कायरोना शहर इस्लामिक शिक्षा का केंद्र भी माना जाता है। ट्यूनीशिया का मदीना इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए काफी खास माना जाता है, क्योंकि इस मदीने में 700 से ज्यादा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं। यह मदीना अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला और कई नायाब चीजों के लिए प्रसिद्ध है। सऊदी अरब के मक्का मदीना के बाद ट्यूनीशिया का यह मदीना इस्लामिक देशों के लिए काफी महत्व रखता है। यहाँ मस्जिदों, मदरसों, महलों, मकबरों और फव्वारों सहित 700 ऐसे स्मारक हैं जो मदीना को खास बनाते हैं। यही कारण है कि ट्यूनीशिया के मदीना को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। मदीना ट्यूनीशिया की राजधानी शहर ट्यूनिस में है। इस शहर को कभी इस्लामिक दुनिया के सबसे महान और सबसे धनी शहरों में से एक माना जाता था। फिलहाल आज ये शहर इस मदीने की वजह से पूरे विश्व में पॉपुलर है। इसके अलावा दोस्तों, ट्यूनीशिया अफ्रीका की तीसरी ऐसी कंट्री है जहाँ यूनेस्को की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ट्यूनीशिया के अलावा साउथ अफ्रीका में यूनेस्को की 10 और मोरक्को में 9 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इस देश का नेशनल एनिमल है ड्रोमेडरी। दिखने में ड्रोमेडरी ऊंट की तरह होता है। इस देश के लोग ड्रोमेडरी को अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं। हजारों सालों से उत्तरी अफ्रीका और एशिया के लोगों के बीच ऊंट की यह प्रजाति काफी लोकप्रिय है। ट्यूनीशिया को हॉलीवुड मूवीज की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ फिल्मों की शूटिंग के लिए सबसे बेहतरीन लोकेशंस हैं। और इतना ही नहीं, इस देश में कई बड़ी हॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है, और तो और इसमें स्टार वॉर्स मूवी का भी नाम शामिल है। हॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक स्टार वॉर्स की आधे से ज्यादा शूटिंग इसी देश में हुई थी। ट्यूनीशिया देश के लोग खाने के काफी शौकीन हैं। इस देश में खाने की ऐसी कई फेमस चीजें हैं जो पूरे अफ्रीका में ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगे। ट्यूनीशिया की सबसे फेमस डिश खुशखुश है। इसके अलावा शीश कबाब्स और टैगिन्स इस देश के सबसे डिलीशियस फूड्स में शामिल हैं। दोस्तों, फुटबॉल को यहाँ के लोग बेहद पसंद करते हैं, साथ ही फुटबॉल को इस देश का नेशनल गेम माना जाता है। फुटबॉल के अलावा हॉर्सबैक और कैमल राइडिंग भी ट्यूनीशिया में काफी पॉपुलर है। उत्तरी अफ्रीका में सबसे बड़ा कोलोसियम ट्यूनीशिया में ही है। यहाँ मौजूद एलजियम एम्पीथिएटर रोमन्स द्वारा 238 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इसमें एक साथ 35,000 लोग बैठ सकते हैं। इसे बिना किसी शक के अफ्रीका में सबसे प्रभावशाली रोमन स्मारक माना जाता है। यह एम्पीथिएटर इतना बड़ा है कि इसके आसपास के बने घर इस इमारत के सामने काफी छोटे नजर आते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्यूनीशिया का बार्डो म्यूजियम इस देश का सबसे प्रसिद्ध म्यूजियम है। इस नेशनल म्यूजियम की खासियत यह है कि यह मेडिटेरेनियन रीजन यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सबसे बड़े और अहम म्यूजियम्स में से एक है। यहाँ कई ऐसी शाही चीजें हैं जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह म्यूजियम दूसरा ऐसा म्यूजियम है जहाँ इजिप्शियन म्यूजियम ऑफ कायरो के बाद सबसे महंगी चीजें मौजूद हैं। ट्यूनीशिया का कल्चर पश्चिमी कल्चर से थोड़ा अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ काला रंग शोक का प्रतीक होता है, तो वहीं साउथ अफ्रीका, घाना और ट्यूनीशिया जैसे देशों में लाल रंग शोक का प्रतीक है। इस देश के लोग किसी भी फ्यूनरल में जाते समय लाल रंग के ही कपड़े पहन के जाते हैं। माउंट जेबेल ए चम्बी ट्यूनीशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 5,066 फीट है। ये पहाड़ कैसरियन में है, जो ट्यूनीशिया के नेशनल पार्क का भी हिस्सा है। हालांकि अब दुर्भाग्य से ये खूबसूरत पहाड़ आतंकियों का ठिकाना बन गया है। यहाँ आए दिन ट्यूनीशिया के मिलिट्री और आतंकियों के बीच गोलाबारी होती रहती है।
इसके अलावा इस देश में कुल 17 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें एचक्यूएल नेशनल पार्क पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस नेशनल पार्क में पशुओं और जानवरों की कई अनोखी प्रजातियां देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस पार्क में सबसे खास बात यह है कि यहां 300,000 बत्तख और ऊंट की प्रजातियां हैं। इसके अलावा इस नेशनल पार्क में 200 से अधिक पशुओं की प्रजातियां और 500 से अधिक पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ट्यूनीशिया में पानी की थोड़ी कमी है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इस देश के लोग जमीन खोदकर कुएं या तालाब बना लेते हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि यहाँ करीब 20,000 गैर कानूनी तालाब मौजूद हैं। ट्यूनीशिया देश की राजधानी ट्यूनिस में ट्रैवलिंग के लिए ट्यूब सर्विस का विकल्प मौजूद है। हालांकि ट्यूनीशिया के दूसरे क्षेत्रों में लोग ज्यादातर यात्रा के लिए बस और ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्यूनिस के लोगों के बीच ट्यूब सर्विस सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 63 साल की बोर्डेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर नजला बोर्डेन की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण दौर में हुई थी। आर्थिक स्तर पर ट्यूनीशिया का प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में काफी खराब रहा, जिस वजह से ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के तौर पर नजला बोर्डेन को चुना गया। तो दोस्तों, ये था अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे अलग और अनोखा देश ट्यूनीशिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको ट्यूनीशिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी। क्या आप कभी गए हो ट्यूनीशिया, और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।